अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गरीब परिवारों, किसानों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अहम और बड़े फैसले हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी और एक साल और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता भी 4% तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर, 200 रुपए की सब्सिडी एक सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया, अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 2400 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है तो इस सब्सिडी को अगले एक साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9,60,00,000 महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, यानी कि 9,60,00,000 बहनों को अगले 12 महीने तक 200 रुपए प्रति सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक जो उनको एक साल में ले सकती हैं उस पर लाभ मिलने वाला है। डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।